कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। लोहा बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे टीएमटी सरिये में क्या रेट बाजार में चल रहा है। तो लोहा बाजार में जबरदस्त तरह की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। लोहा बाजार में आज सुबह बाजार खुलने के साथ 500 से लेकर 600 रुपए तक की गिरावट, जिसका असर आपको आने वाले एक से दो दिनों पर दो दिनों में टीएमटी सरिये पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आज जो कीमतें हैं ब्रांडेड कंपनियों की वो कई हद तक स्थिर है, लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बताते हैं कि इंगट में जैसा कारोबार देखा जाता है उसका असर टीएमटी सरिये पर पड़ता है, लेकिन तुरंत नहीं देखा जाता है। एक से दो दिनों बाद आपको इतनी गिरावट टीएमटी सरिये पर देखने को मिल सकती है। अब क्या रेट चल रहे हैं टीएमटी सरिये के कुछ ब्रांडेड कंपनी में, इस बारे में हम लोग खबरों में आगे विस्तार जानेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले हम लोग कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। भारतम कंपनी का रेट बाजारों में 54,700 रुपए देखा जा रहा है। कामधेनु कंपनी का रेट 62,201 है। केडू कंपनी में 61,331 रुपए का लेवल है। ज्योति कंपनी का रेट 62,012 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा फॉर्चून कंपनी में 63,399 रुपए का रेट चल रहा है। प्रबल कंपनी का रेट 61,001 रुपए देखा जा रहा है। दुआवा कंपनी में 66,300 रुपए का रेट चल रहा है। दीपक कंपनी का रेट 54,100 रुपए देकर चल सकते हैं। इसके अलावा जय भारत कंपनी में मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। कंपनी में 59,500 रुपए का रेट मार्केट में देखा जा रहा है। शेर पंजाब कंपनी का रेट 62,211 रुपए है। अंबा कंपनी में 58,900 रुपए का रेट आप बाजार में देखकर चल सकते हैं। टीएमटी सरिये के बाद अगर बात करी जाए इंगट के बारे में, तो इंगट के बाजार में जबरदस्त तरह गिरावट दर्ज करी गई है। 48,600 रुपए का लेवल चल रहा है। इंगट में 500 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार यहां देखा जा रहा है, और स्प्रे की कीमतें 37,600 रुपए देखी जा रही है। आप देख सकते हैं जबरदस्त तरह की गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट देखी गई है। अब इसका असर आपको आने वाले समय में टीएमटी सरिये पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए बेहद निगेटिव है। अच्छा लेवल है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो बाजारों में आप एक से दो दिन का इंतजार और करिए, और बाजारों में आपको अच्छा लेवल मिलता है गिरावट को देखते हुए तो वहां से आप गिरावट को खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।